Hello and welcome to the official YouTube channel of the Engineering Quota. In this video, we will discuss about Arduino Uno and its specifications. Arduino Uno is a famous name within electronics engineering, within embedded systems, within robotics and so on. In today's video, mein we will discuss about its pin description, within its specifications and its hardware probes. This is Prateek Mishra and let's continue with this video. इस वीडियो में आप बहुत डिटेल में समझने वाले हैं अबाउट पिन डायग्राम ऑफ़ डायफ़ोनो वॉट इससे रिलेटेड जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इस रोबोटिक सेक्टर के पार्ट बनना चाहते हैं या उसके पार्ट ऑलरेडी है आर्डियोनो माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत फेमस नाम है विद इन दी एम्बेडेड सिस्टम फील्ड अगर आपने इस नाम के बारे में ज्यादा नहीं सुना है या आर्डिनो Uno के बारे में केवल नाम ही सुना है और इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो पहले तो मैं बात करता हूँ एम्बेडेड सिस्टम की जिसका पार्ट है आर्डिनो ऊनो और आर्डिनो फैमिली माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम वो टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके प्रोसेस करने के लिए बनाई गई है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं या इससे रिलेटेड किसी फील्ड में हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है एम्बेडेड सिस्टम इसी के लेटेस्ट इंटीग्रेशन या फर्दर इंटीग्रेशन में आप आई ओ और एम जैसी टेक्नोलॉजी को मर्ज कर सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम के एप्लीकेशन बहुत हैं आपके आसपास के अप्लाइंसिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम से चलते हैं

और उसे हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हुए देखते हैं तो कोई भी सिस्टम तीन चीजों से बनता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोसेसिंग का एंड प्रोसेसिंग का मतलब बात हुई ब्रेन की इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड अ कुोसेसर प्रोसेसर को कहा जाता है मदरबोर्ड बट वेयर एज़ माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इट इज अ सिंगल चिप कंप्यूटर इसीलिए एम्बेडेड सिस्टम के डेवलपमेंट के रिस्पेक्टिव से हम माइक्रो कंट्रोलर्स पर फोकस करते हैं और इन माइक्रो कंट्रोलर्स में सबसे फेमस नाम जो आप आपको मिलेगा या सुनने में मिलेगा दीज आर मेड बाय आर्डुइनो एंड यहीं से डिस्कशन इंपॉर्टेंट बनता है और यहीं पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे आर्डुइनो फैमिली माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स के लिए आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम इटली एंड दे आर वर्ल्ड फेमस करेंटली आर्डोनो फैमिली माइक्रो कंट्रोलर्स आर एन रेल फेम और इनके बहुत सारे बोर्ड मार्केट में आते हैं आर्डेनो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन एन ईजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मतलब आर्डोनो के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मार्केट में अवेलेबल है इट कंजिस्ट ऑफ अ सर्किट बोर्ड अगर हम केवर कंट्रोलर की बात करें या डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो आर्डोनो कन्जिस्ट ऑफ अ सर्किट बोर्ड and a रेडीमेड सॉफ्टवेयर कॉल्ड arduino ide arduino ide एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड्स को प्रोग्राम कर सकते हैं which is used to write and upload the computer code to the physical board जो आपके पास अवेलेबल है वाया arduino ide बहुत सारे बोर्ड मार्केट में arduino के नाम से आते हैं जो arduino ब्रांड से आते हैं इसको इस तरीके से समझिए जैसे मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फोन्स आते हैं हर मोबाइल फोन का अपना ब्रांड होता है ब्रांड के साथ हर मोबाइल फोन अपने अपने ब्रांड में अपने अपने वर्जन निकालता है जैसे सैमसंग की सीरीज चलती है सैमसंग का केवल एक फोन मार्केट में नहीं आता उसके कई सारे ब्रांड हर महीने या धीरे धीरे करके अपग्रेड आते रहते हैं उसी तरीके से आर्डिनो के बहुत सारे नाम के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड आते हैं जिनके अलग अलग यूज हैं जिनके अलग अलग साइज हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं दैट इंक्लूड्स आर्डिनो इमेज से ही समझ में आ रहा होगा की इनमें क्या चेंजेस है जैसे आप आर्डिनो ऊनो को थोड़ा साइज में छोटा देखेंगे तो आर्डोनो मेगा उससे बड़े साइज में मिलेगा अगर आपको आर्डोनो ऊनो से भी छोटे साइज में माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो गो फॉर आर्डोनो नानो जैसे जैसे आपका यूज चेंज होता है वैसे वैसे माइक्रो कंट्रोलर्स के वेराइटी चेंज होते हैं विद इन आर्डिनो फैमिली माइक्रो कंट्रोलर्स इन सारे माइक्रो कंट्रोलर्स में स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं बट ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए हम यूज करते हैं आर्डिनो आई डी

चिप देख पा रहे हैं जो बनाने की कंपनी का नाम है एटमेल एटमेल इज अ माइक्रो कंट्रोलर फैब्रिकेशन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा नाम है विच इज अ प्रोड्यूसर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यहां पर आर्डिनोनो एटमेल का एटमेगा थ्री टू एट माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करता है आर्डिनो के इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के भी दो स्पेसिफिकेशन मार्केट में आते हैं दिस इज डी आई पी दूअल इन पैकेज तो आपको जो आईसी मिल रही है वो डी आई पी के फॉर्म में मिल रही है आपको सेम एस एम डी के साइज में भी मिल सकती है बोथ आर्डियोनोनो कुड बी ओरिजिनल एंड दे कु दैट इज आर्ड उनो के बहुत सारे फेक मॉडल या सेकेंड या थर्ड कॉपी भी मार्केट में आती है हाउेवर जो आप अभी सामने देख पा रहे हैं इस इमेज में दिस इज ओरिजिनल आर्डियोनोनो बोर्ड तो चलिए हम इसके बारे में अब समझना शुरू करते हैं जैसा कि आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पिन सर्किट्री ऑसिलेटर्स इंटीग्रेटेड यूनिट्स, कैपेसिटर्स और बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप देख पा रहे होंगे हम इनको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो इस डायग्राम के साथ मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसमें आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं जहां पर आपको नंबर्स डिनोटेड हैं नंबर से लेकर तक ये हैं हमारे डिजिटल आउटपुट और इनपुट दैट इज कि आप इनसे इनपुट या आउटपुट कुछ भी ले सकते हैं कुछ में आपको एक कर्व करके एरो दिख रहा होगा एनोटेशन दिख रहा होगा दीज आर पीडब्ल्यू एम इनपुट आउटपुट पिंस पीडब्ल्यू एम स्टैंड फॉर पल्स विद मॉड्यूलेशन अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं या डिटेल में अभी सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो दीज पिंस हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग पल्स विथ मॉड्यूलेशन दैट इज कि आप इनमें मोटर्स या ऐसी चीजों को लगा सकते हैं जहां आपको स्पीड ड्यूरेशन या करंट डेविएशन की जरूरत हो जैसे अगर आप किसी मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं या किसी लाइट की फेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पल्स विथ मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप उन पिन का यूज करें जिनमें आपको ये सिंबल दिख रहा है जीरो एंड वन जो पहली पिने आपको दिख रही है, पहली दो पिन जीरो वन जीरोप्शन टी एक्स का मतलब, मतलब ट्रांसमिशन जीरो पिन की मदद से हम किसी वायरलेस कम्युनिकेशन का हिस्सा या अपने माइक्रो कंट्रोलर को किसी वायरलेस प्रोटोकॉल के साथ जोड़ सकते हैं उसमें आप आई आर रिसीवर ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं इसमें आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं इसमें आप वाईफाई यूज कर सकते हैं मतलब आप किसी भी तरीके का सीरियल प्रोटोकॉल या वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करने के लिए आप आरएक्स और टीएक्स पिंस का यूज कर सकते हैं हाउएवर अगर आपको नहीं करना है तो जीरो और वन और नॉर्मल पिंस की तरीके भी काम करते हैं अब दूसरी चीजों की बात करें तो नीचे आपको एक येलो कलर का ICSP लिखा हुआ दिख रहा है राइट साइड आईसीएसपी सीरियल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है फॉर मास्टर इन स्लेव आउट मास्टर आउट स्लेव इन मतलब सीरियल इंटरफेस के लिए जहां आप अपने Arduino Uno को किसी दूसरे डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिसमें आपका Arduino Uno मास्टर या स्लेव की तरीके ऑपरेट करे सिंपल शब्दों में समझने के लिए अगर आपके पास चार पांच माइक्रो कंट्रोलर हैं और आप उन सब को इंटीग्रेट करके कोई एक बड़ा डिवाइस बनाना चाहते हैं तो आपको इन इन चिप सीरियल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है हाउेवर ये ऑप्शनल है आपको सिंपल एम्बेडेड सिस्टम के प्रोजेक्ट्स में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है दैट रिजेंबल्स आवर एटमेल माइक्रो कंट्रोलर द माइक्रो कंट्रोलर नेम इज एट मेगा थ्री टू एट पी नीचे की तरफ आपको जो ब्राउन बॉक्स दिख रहा है वो दिखा रहे हैं हमारे एनालॉग इनपुट्स। एनालॉग इनपुट्स का यूज किया जाता है समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आठविनोनो और हम जब बात करते हैं डिजिटल की दैट मीनस जीरो एंड वन दैट मीन्स स्विच दैट कैन बी ऑन एंड ऑफ दैट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स लेकिन एनालॉग इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी सेंसर से डेटा चाहिए और वो सेंसर का एग्जाम्पल लेते ले हैं मान लीजिए इंफ्रारेड सेंसर इंफ्रारेड या मोशन सेंसर आपको डेटा देगा अब मोशन सेंसर को अगर डेटा देना है तो वो आपको डेटा देगा अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आया या नहीं आया मोशन सेंसर का डेटा डिजिटल है दैट मीनस या तो वो होगा या वो नहीं होगा उसको देने के लिए या मोशन सेंसर को कनेक्ट करने के लिए आपको डिजिटल की पड़ेगी। अगर आपका डेटा एनालॉग है उसके example है temperature sensor. Temperature sensor अगर आपको कोई डेटा देगा तो वो high और low में नहीं होगा उसमें values vary कर सकती हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सोलर पैनल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं करेंट सेंसर का यानी वो वैल्यूज जो आपको एनालॉग वैल्यू इनपुट में दे सकती हैं, उनके लिए आपको एनालॉग इनपुट की जरूरत पड़ती है

चलिए इस पूरे माइक्रो कंट्रोलर को डिटेल में समझते हैं यहां पर इसके फीचर्स प्रोसेसर का नाम है 8M328P, इसका है 5V, जो लिमिट है मिनिमम छ वोल्ट और मैक्सिमम बीस वोल्ट ये डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें आपको रिकमेंडेशन के हिसाब से 12 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई नहीं देनी चाहिए एंड

एंड 3.3 वोल्ट का भी एक पिन आपको मिलेगा उसमें करंट रहता है 50 मिली एम फ्लैश मेमोरी 32 किलोबाइट की होती है मतलब आपका प्रोग्राम बत्तीस के के अंदर स्टोर हो जाता है स्टैटिक रैम दो के की होती है स्टैटिक रैम इज यूज ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसिंग डबल ईपी रैम एक के होती है ये मिनिमल यूज के लिए होती है क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज की होती है बिल्ट इन एलईडी इसमें लगी होती हैं टोटल तीन एक होती है पावर की दो होती हैं रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन शो करने की Length and width ये आपके हैं इस इस के के अब हम एक बार इसको में 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 समझते हैं। जहां पर आपको इस diagram में, numbers के साथ में अलग अलग चीजें डिफाइंड है जिसमें हम एनोटेशन नंबर वन से लेकर 17 तक चीजों के बारे में और लगी हुई properties के बारे में समझेंगे जिसमें one number पे आपको दिख रहा है यूएसबी पोर्ट जिसका इस्तेमाल पावर देने के लिए प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करेंगे दिस इज टाइप ए यूएसबी जिससे आप अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से आर्डियोनोनो को जोड़ सकते हैं जोड़ने के बाद आर्डियोनो आई जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के अंदर डाल सकते हैं सेकेंड पिन पर आपको दिख रहा होगा डीसी सॉकेट जहां पर आप 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई देकर अपने आर्डियोनोनो को पावर इंटीग्रेट कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपको वी इन पे मिलेगा जो पे नंबर नाइन है बट उसका डिस्कशन हम थोड़ी देर बाद करेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर के एनोटेशन को जहां पर आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर दिख रहा होगा दिस वोल्टेज रेगुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस दिसो बोर्ड क्योंकि आप जो सप्लाई दे रहे हैं वो नाइन वोल्ट ट्वेल्व वोल्ट तक हो सकती है बट इस बोर्ड में लगे बाकी सारे पार्ट्स को 5 वोल्ट की सप्लाई देने का काम वोल्टेज रेगुलेटर देता है 5 वोल्ट या उसके आसपास जितने भी बाकी इंटरनल सर्किट्स उस सप्लाई पे काम करते हैं वो काम और वो वोल्टेज सप्लाई करने का काम और वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम वोल्टेज रेगुलेटर करता है फोर्थ नंबर पे आपको एक सिल्वर क्रिस्टल ऑसिलेटर दिख रहा होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम है फ्रीक्वेंसी बनाना Arduino uno को फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है टू प्रोसेस डेटा एंड टू कैलकुलेट टाइम ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक To process certain task. Annotation number 5 and 17 पर आपको आपको नीचे की तरफ दिख रहा दिख रहा रहा होगा होगा और ऊपर एक बटन का मतलब या रीसेट का यूज आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को रोकने और दोबारा से प्रोसेस करने में कर सकते हैं रीसेट बटन से आपका पूरा टास्क जिस पे आर्डिनो काम कर रहा है वो रीप्रोसेस करने लगता है अगर आपका आर्डिनो उनो का कोई प्रोसेस किसी जगह पर स्टक कर गया है तो आप रीसेट का यूज करते हैं टू री एनालाइज या टू रीस्टार्ट द प्रोसेस उसके बाद पिन नंबर सिक्स सेवन एट और नाइन आपको दिख रहे होंगे सिक्स इज यूज फॉर थ्री वोल्ट सप्लाई सेवन इज यूज फॉर फाइव वोल्ट सप्लाई

एनालॉग इनपुट पिन्स दिख रहे हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया ये A0 से लेकर A5 तक होते हैं 11 नंबर पे आपको मेन चिप जो हमारा माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड है वो दिख रहा है दैट इज ATMega328P मेड बाय आटमेल कंपनी ICSP जिसका हमने डिस्कशन किया वो आपको 12 नंबर पे दिखा रहे हैं 13 नंबर पे आपको पावर इंडिकेटर एलईडी दिख रही होगी जहां आपको तीन इंडिकेटर एलईडी दिखेंगी LTX और RX के नाम से जैसे मैंने आपको बताया था एल इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड L एल इज दावर LED जिससे आपको ऑलरेडी ऑन मिलेगी जैसे ही आप आर्डियोनो पे पावर देते हैं दो एलईडी आपको और मिलेंगी यहाँ टी एक्स आर एक्स के साथ में राइट right साइड आपको एक LED मिलेगी ऑन नाम से थर्टीन नंबर से कनेक्टेड रहती है ये ऑन एलईडी दैट इज कि जैसे ही आप अपने आर्डोनोनो को पावर देते हैं पिन नंबर थर्टीन ऑलरेडी हाई हो जाता है बाई डिफॉल्ट अब आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में पिन नंबर थर्टीन को यूज करके उसके स्टेटस को चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है पिन नंबर थर्टीन और ऑन वाली एलईडी एक साथ मर्ज है अगर आप पिन नंबर 13 को लो करते हैं तो ऑन वाली एलईडी लो हो जाएगी अगर आप पिन नंबर 13 को हाई करते हैं तो ऑन एलईडी हाई हो जाएगी पाई डिफॉल्ट पिन नंबर 13 हाई रहता है जिससे आपको ऑन एलईडी ग्लो करते हुए दिखेगी 14 नंबर पे आपको बाकी की एलईडी दिख रही हैं, जिसमें टी ट्रांसमिशन होते समय और आर रिसेप्शन होते समय यूज होते हुए दिखती है, की करती है जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है या किसी चीज का इंडिकेशन साथ में हो रहा होता है एनोटेशन नंबर 15 जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है वहां हमारी डिजिटल पिन दिख रही हैं। टोटल जीरो से लेकर 13 तक 14 डिजिटल पिन आपको मिलेंगी 16 नंबर पे रेफरेंस वोल्टेज का एनोटेशन आपको दिख रहा है एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज जीरो से लेके फाइव वोल्ट के बीच में रेफरेंस लेने के लिए यूज किया जाता है अब माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आप Arduino IDE सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होता है आप इसे ऑफिशियल Arduino की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं That's it for this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग